नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए देखते हैं आज की ये खास खबर। झांसी जिले के कस्बा समतर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां बीती रात एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार के अनियंत्रित होकर नहर में गिरने का समाचार प्रकाश में आया है। हालांकि घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, कार सवार दोनों युवक सकुशल बच गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि कस्बा समथर में स्थित कन्हैया पैलेस में मुरैना जिले के अम्बा पोरसा गांव निवासी शेर सिंह गुर्जर शादी में अपनी स्कॉर्पियो कार से आए हुए थे। तभी कुछ देर बाद शेर सिंह ने अपने रिश्तेदार के लड़कों को गाड़ी से मोबाइल निकालने के लिए चाबी दी, लेकिन दोनों युवक मौका पाकर गाड़ी को चलाने के लिए समथर बाईपास रोड पर ले गए, जहां तेज रफ्तार गाड़ी मोट रोड पर स्थित नहर के पास अचानक मोड़ आ जाने से घबरा गए, जिससे तेज रफ्तार गाड़ी नियंत्रण से बाहर हो गई और सीधा गाड़ी नहर में जा गिरी। हालांकि गाड़ी में सवार दोनों युवक सुरक्षित बाहर निकल आए। सुबह जेसीबी की सहायता से गाड़ी को भी बाहर निकाला गया। उक्त घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, जबकि स्कॉर्पियो क्षतिग्रस्त हो गई है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नई खबर की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।